बोलो प्रभु रामचंद्र जी की जय। भगवान के बोल तो अनमोल ही है, राम जी के वचन हमेशा ही अनमोल है, उनके वचनों का कोई मोल है ही नहीं। कभी कहते हैं धीरे सीच सही, लेकिन हमेशा चलते चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। कहते हैं जब धीरे धीरे चलोगे कभी तो मुकाम तक पहुंच ही जाओगे। जैसे गड्ढे में भरा हुआ पानी कभी सड़ जाता है, उसी तरह तुम्हें जहां पहुंचना होगा कभी ना कभी तो तुम अपने मुकाम पर पहुंच ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचोगे, प्रयास तुम करते रहो। हमने तो ठीक इसलिए कह बराबर प्रयास करने से ही हम जीत सकते हैं, पहुंच सकते हैं मुकाम तक। जैसे रस्सी से पानी भरते हैं, भरते भरते रस्सी से पत्थर किया जाता है, उसी तरह किसी कार्य को करते करते पूरा ही हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि प्रभु राम ने एक दिन, राम प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया है, भगवान तो है ही है दयालु, सब दयालु, उनके तो वचन अनमोल ही है, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूँ, क्योंकि शुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्कंधा का पद मिला है। भगवान ने कहा शुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्कंधा का पद मिला है, विभीषण को भी दूसरे तुम्हारे कारण लंका का पद मिला है, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला है, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला है। हनुमान जी ने कहा प्रभु सबसे ज़्यादा लाभ मैं तो मैं ही हूँ। श्री राम ने पूछा कैसे? हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को किष्कंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा प्रभु जिसे आपके ये दो पद मिले हों वो एक पद क्यों लेना चाहेगा। श्री राम जी ने हनुमान जी को बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न हुए, भगवान इनको सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि इसने कितनी ममता बटोर रखी है। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मनहिं बांध बर डोरी। सबकी ममता बटोर के रखे, सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मनहिं बांध बर डोरी। कितना सुंदर इन्होंने पद देने का, तो कहे कितने हमें दो दो पद दे रखे, तो हमें प्रभु की रजा में रजी, प्रभु के चरण से ज़्यादा क्या। हनुमान जी ने कितनी उक्त बात कही कि सबको एक एक पद मिला, हमें तो प्रभु के दो पद मिल गए, इससे ज़्यादा पद हमें क्या चाहिए। हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं है, भरत जैसा भाई नहीं, हनुमान जैसा भक्त नहीं, सीता जैसी नारी जही। एक तुलसीदास से किसी ने पूछा कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता होगा तो फिर तुम जब क्यों करने बैठ जाते हो। इस पर तुलसीदास जी ने कहा भक्ति का कोई मन नहीं होता, भक्ति का कोई समय नहीं होता, मन करे या ना करे, करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, उसको प्रभु सुनेंगे तो ही है, चाहे हम उसको उल्टा पढ़ें किताब तो भी हमारी किताब पूरी हो जाती है, और चाहे किताब को हम सीधी पढ़ें तो भी हमारी किताब पूरी हो जाती है, पीछे से पढ़ना शुरू कर दें, और चाहे हम किताब को आगे से पढ़ें हमारी किताब तो पूरी हो जाती है, तो हमें क्यों नहीं फिर मिलता है। कहते हैं कि पूजा कहीं से भी करो वो पूजा हो ही जाती है पूरी, हम कहीं से भी करते हैं हमारा अध्याय तो पूरा ही हो जाएगा, चाहे हम पीछे से चलें चाहे हम आगे से चलें। कहते एक भक्त रोज पूजा लगातार 20 साल से कर रहा था, गीता जी का उदाहरण है, वो रोज करता था। अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने हुए आए और उससे कहा अरे भक्त तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है, मैं तो तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ हूँ।
जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है वो है। भक्त बोला, भगवान आप बहुत मैं खुश हूँ। उसने भगवान ने कहा, क्यों? उसने कहा, भगवान मुझे ये तो नहीं मानता कि आप मेरे पाठ से खुश प्रसन्न हो, नहीं मुझे ये मालूम है कि आपने मेरे पाठ को सुन लिया, मेरे जीवन के लिए यही बहुत है। कहते तो है प्रभु राम की कृपा जिस पे हो। कहते एक लड़की ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार में एक खूबसूरत फनुष प्राप्त किया। उसने उसे अपने घर की बैठक में लगा दिया। फनुष के सौंदर्य को निहारते निहारते उसका ध्यान पहली बार दीवार के उतरते रंग रोगन की ओर गया। उसने दीवारों पर पुताई कराई। जब पुताई हो चुकी तो उसका ध्यान खिड़कियों पर लगे मैले कुचैले पर्दों की ओर गया। उसने तुरंत उन्हें उतार कर धो डाला। इस प्रकार एक एक करके उसने सारे कमरे को चमकता हुआ साफ सुथरा बना दिया। इन सब का आरंभ एक खूबसूरत फानुष ने से जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम एक सत्कर्म से आरंभ करें, अन्य कई सत्कारात्मक कार्य होते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा गुणों का भंडार है। हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं तो वे हमारी ओर कई कदम बढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ ये है, इसका भाव ये है कि कदापि नहीं कि परमात्मा हमसे दूर है। तात्पर्य ये है कि यदि हम सद्गुणों को आत्मसात करते हैं तो ये परमात्मा को आत्मसात करने के समान है। हमारा प्रत्येक सत्कर्म परमात्मा की ओर उठाया हुआ एक कदम है। इसके साथ अन्य सद्गुण भी आने लगेंगे। किंतु इस प्रतिक्रिया का को ही शुभारम्भ करना होता है। कम से कम एक सद्गुण तो विकसित करने की इच्छा होनी चाहिए। परीक्षा में जिन विद्यार्थियों के अंक पास होने के लगभग निकट होते हैं उन्हें ग्रीष मास दिया जाता है। यदि उनके अंक पास होने के अंकों के निकट नहीं होते तो वे उनसे लाभान्वित नहीं होते हैं। बिना पढ़ाई किए कोई केवल ग्रीष मास नहीं ले सकता है। उसी प्रकार यद्य परमात्मा का कृपा सतत बरस रही है किंतु उससे लाभान्वित होने के लिए हमारी ओर से कुछ प्रयास अवश्य होना है चाहिए। यदि हमारा भाव उचित नहीं है, हृदय खुला नहीं है तो सब व्यर्थ है। दिन के समय खिड़कियां बंद करके यदि हम शिकायत करें कि मुझे सूर्य प्रकाश नहीं देता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, सबके लिए है, बस हम अपनी खिड़कियां दरवाजा खोलें। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे इसमें बताया कि एक उसको मिला, क्या मिला? फानुष मिला। उसको दीवार पे लगाया, उसको पहले की पुरानी दीवार दिखने लगी, दरवाजे खिड़की दिखने लगे गंदे, पर्दे दिखने लगे, उसने सारे सफा कर दिए उसकी वजह से। उसी तरह से जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं, परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी, हमारे शरीर के दोष निकलते चले जाते हैं और हम प्रभु राम से मिलान करते चले जाते हैं। कहते हैं ग्रीष उसी को मिलता है जो पास होने के निकट होता है। जो पास होने के निकट नहीं होता उसको ग्रीष्मास नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है। जब हम नहीं भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, थोड़ी भी करी है तो हमें ग्रीष्मास मिलके हम कछोन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने कुछ किया ही नहीं है, अगर हमने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया है तो परमात्मा केवल फल देता रहे हमें, कर्मों को कितना भगवान करता रहे। कहते हैं अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, हमें अच्छे सत्कर्म की ओर करना है तो हमें कुछ भगवत भगन में लगना चाहिए। हमें भगवान की प्राप्ति के लिए हमें केवल मन से आराधना करनी चाहिए। हमें थाल सजाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेवा मिष्ठान बहुत लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल मन से भगवान को स्मरण करना चाहिए, हमें सतमार्ग पे चलना चाहिए, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कहते हैं परमात्मा की कृपा
जिस मनुष्य पे परमात्मा तो सभी पे कृपा करते हैं, लेकिन हम अपने अपने मन को नियंत्रण में कितना रखते हैं ये हमको भी सोचना चाहिए। कहते एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया, एक घोषणा की कि इस सूत्र के ये द्वार खुल जाएगा, इस सूत्र से ये द्वार खुल जाएगा। साथ ही ये भी घोषणा करवा दी कि जो इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ और सूत्र देखकर लौट गए, किसी को इसी समझ में नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था, उस दिन तीन लोग आए और कहने लगे हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से तो दो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और एक आप सात पुराने गणित के सूत्रों का पुस्तक भी लाए थे, लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नज़र आ रहा था, सीधा साधा कुछ भी नहीं अपने साथ लाया था, उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने लग गए लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और अपनी हार मान कर बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया वो कि आप हल कीजिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान के द्वार से की ओर गया। साधक ने सीधे से द्वार को धकेला और क्या कहा, द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्या किया। साधक ने बताया कि जब वो ध्यान में बैठा तो उसे पहले अंतर ध्यान में आवाज़ आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद में इसे हल करने की चेतना। कई बार जीवन में कोई समस्या नहीं होती है और हम अपने विचारों में उसे बड़ा बना लेते हैं। ज़्यादातर लोग कल्पनाओं से डरते हैं, उसमें सूत्र था ही नहीं, दरवाज़ा कैसे खुले, सूत्र की गणित लगाई जा रही थी। उसने दिमाग में लगाया कि इसमें सूत्र है ही नहीं, धकेल के देखें, उसने जो धक्का दिया, चूड़ियाँ थी नहीं, उसने धक्का दिया वो खुल गया। तो कहते हैं कि कभी कभी हम जिस समस्या को समस्या समझ लेते वो समस्या होती ही नहीं है और हम उसको समस्या समझ बैठते हैं, बट वो समस्या नहीं होती है। तो हमें पहले जानना चाहिए कि वास्तविकता में क्या है। कोई समस्या से कहते हैं कोई समस्या काल्पनिक होती है, ना होते हुए भी उनको हम समस्या समझ लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि राम जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं, राम जैसा तो राम, तो राम ही है पुरुषोत्तम राम, तभी तो पुरुषोत्तम कहते हैं। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी राम से मिलने आई, जैसे ही मंदोदरी की छाया राम जी की पीठ पर पड़ी उठ के खड़े हो गए और मंदोदरी से बोले माता आप यहाँ कैसे आई हो। मंदोदरी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुझे कोसों और देखने आई कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी है, जिसने मेरे मान दाताओं तक को स्वर्ग को जाकर चुनौती दी, जो कुबेर को कल से पकड़ लिया है, नीचे ले आया है, उस पराक्रमी को हराया किसने, ऐसा उसमें किया है जो मेरे पति में नहीं था। राम ने जो उत्तर दिया वो सुनो। राम ने पूछा माता आपको पता चल गया है कि क्या अंतर है। मंदोदरी ने कहा पता चल गया है, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था और एक तू है कि पीठ पर स्त्री की छाया पड़ी तो उठकर खड़ा हो गया, बस अंतर यही है, मेरी समझ में आ गया। आखिर में थे तो राम दशरथ के ही बेटे भाई, जिसके पिता इतने अच्छे थे। क्या कहा राजा दशरथ किससे किसी, देखिए सीता राम के विवाह से जुड़ा बहुत सुंदर सा किस्सा है। जब श्री राम और सीता का विवाह हो रहा था, जब अयोध्या से राजा दशरथ अपने नगर वासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर पहुँचे, उस समय मिथिला के लोग अपशब्द कहने लगे, कहने में बड़े माहिर थे। जनकपुर में बारात आई हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि छह प्रकार से
बने हुए कई व्यंजन बारातियों को परोसे गए। जब बाराती भोजन कर रहे थे उस समय जनकपुर की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुरी स्त्रियों और पुरुषों का नाम लेकर अपशब्द गुनगुना रही थीं। उन अपशब्द को सुनकर दशरथ राम और सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक ने डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इनके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि औसत विवाह का है। अपशब्द का अर्थ है होता है क्या अपशब्द का अर्थ होता है व्यक्ति कुछ ऐसे अपशब्द करता है जिसमें सामने मिले की खिल्ली उड़ाई जाती है या उससे अपमानित किया जाता है, लेकिन विवाह का प्रसंग हो तो अपशब्द भी अच्छे ही लगते हैं। तो कहते जब हम खुशी में हैं, हमें कोई कुछ कहना हमें अच्छा ही लगता है, तो हमें इससे क्या सीख मिली? हमें इससे ये सीख मिलती है कि राजा दशरथ ने ये हमें सीख दी है कि किसी खास अवसर पर अपशब्द भी ऐसे बोले जाने चाहिए कि उसमें व्यंग हो, तर्क हो, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि अपशब्द को भूल कर भी ना बोले, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपमानित होकर क्रोधित हो जाए। अपशब्द भी किसी को हंसा सकते हैं, ये मिथिलावासियों ने उस समय हमें बताया। यही कहते हैं कि मिथिलावासियों से ये बता चली आ रही कि शादी के समय ये जो नाटक नकटोरा गालियाँ बोल गाई जाती हैं खाने समय बारातियों के समय, ये उसी समय क्या है। और कहते हैं कि इनमें भी हमको खुशी प्रकट करनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, सभी को खुश रहना चाहिए। इससे सीख सभी को लेनी चाहिए कि हमें खुशियों के समय में कोई भी हमें कैसे भी हंसी मजाक करता है, हमें उसको उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए जो कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमें खुश रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि समर्पण का चमत्कार अवश्य होता है। हम किसी पद को समर्पण करेंगे तो उसका चमत्कार को देखने में अच्छाइयाँ जरूर आती हैं। कहते कल्पना करो कि तुम घर को परेशान बैठे हो, अचानक एक अलार्म तीखी आवाज़ आती है, तुम्हारे भीतर चिड़चिड़ापन उभरता है। इसका कारण है कि कुछ भी हो तो नहीं रहा है, फिर तुमने उसे भीतर क्यों रचा? तुमने नहीं, उसे मन ने रचा है। बिल्कुल आलोचन रूप में बिल्कुल मन शांत रह क्यों था? क्योंकि मन की अचेतन धारणा ही प्रतिरोधक इसका विचार है। अनुभव, तुम नकारात्मकता का अप्रसन्नता के रूप में करते हो। ये सब कुछ एक आध्यात्मिक अध्याभ्यास से रूपांतरित होता है सकता है। एक प्रयास करो, स्वयं को पारदर्शी होता महसूस करो, मानो भौतिक और सब ठोस नहीं रह गया है। अब मन के शोर से ऐसे ही किसी चीज़ पर नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करो और उसमें अपने को गुजरने दो। अब देखो कि ठोस दीवार से वो टकरा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के आश्रय से गाड़ी का हॉर्न, कुत्ते का भौंकना, चिल्लाना, ट्रैफिक, इन चीज़ों से देखो कि तुम्हें क्या महसूस होता है। दीवार पर बजाओ तो गुजरने दो, बिल्कुल आवाज़ प्रतिरोध मत करो। जिस क्षण तुम अपनी अशांति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे कि शांति है अब अशांति नहीं है, उस समय भ्रांति हो जाएगा कि तुम्हारे मन में स्वयं तुम शांत हो, स्पीकर का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कहते हैं शांति का चमत्कार तो हमारे शरीर में, पर हम उसको अनुभव करें। हम कहते चिल्ला रहा, अगर हम किसी के शांति को नहीं सुनेंगे तो हमारे पास अशांति आ ही नहीं सकती। शांति तो हमारे मन की है, किसी के मन की शांति तो हमारे मन में नहीं है, हमारी शांति हमारे में निहित है। कहते हैं सतयुग में एक बार जल की बहुत कमी हो गई, अभाव हो गया, समस्या की दृष्टि से जल अदृश्य हो गया, सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई और जीवन का अंत होने लग गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु से, ऋषिगण से तथा देवता मिलकर भगवान शिव के शरण में गए और शिव जी से प्रार्थना की और बोले, नाथों के नाथ, आदिनाथ। तब हनुमान तब इस समय उससे को मिल ही निपटे, सृष्टि में पुनः जल तत्व कैसे आएगा? देव की विनती कर सुन भोलेनाथ ने 11वें रुद्र को बुलाकर पूछा, और आपसे कोई ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल पर तत्व प्रदान कर सके? इस दस रुद्रों ने इनकार कर दिया। 11वां रुद्र जिसका नाम हर था, उसने कहा, मेरे पास करतल में
जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा और शरीर गलाने के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिल जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन को निवास करूंगा, जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक रुद्र ने अपने शरीर को गलाकर सृष्टि को जल तत्व प्रदान किया और उसी जल से महाबली वानर की उत्पन्नी हुई, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ये घटना सतगुण के सतयुग के चौथे चरण की है। शिव जी ने हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया। हनुमान जी ने राम नाम का जप प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में अंजना और कैशनी के यहाँ पुत्र में अवतरित हुए। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं, उस लेख के आगे कोई नहीं। सीता के राम रखवारे, सीता के राम जी रखवारे, थे जब हरण हुआ तब कहीं सीता के राम थे रखवारे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। जो लेख लिखे है कर्मों में, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो लेख लिखे है कर्मों के, उस लेख के आगे कोई नहीं। द्रौपदी के पांच पांडव थे, द्रौपदी जी के पांच पांडव थे, जब चीर हरण हुआ कोई नहीं। द्रौपदी के पांच पांडव थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। जो लेख लिखा है कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो लेख लिखा है कर्मों के, उस लेख के आगे कोई नहीं। दशरथ के चार दुलारे थे, दशरथ के चार दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। दशरथ के चार दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों में, जो लेख लिखे हैं कर्मों में, उस लेख के आगे कोई नहीं। एक के आगे कोई नहीं। रावण भी बड़ा शक्तिशाली था, रावण भी बड़ा शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। रावण भी बड़ा शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों में, जो लेख लिखे हैं कर्मों में, उस लेख के आगे कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे,
चक्रव्यूह में आया कोई नहीं, जो लेख लिखे हैं कर्मों में उस लेख के आगे कोई नहीं, उस लेख के आगे कोई नहीं। सब घड़ी है दुनिया वालों की, सब घड़ी सब यही है दुनिया वालों की, संसार में अपना कोई नहीं। सब यही है दुनिया वालों की, संसार में अपना कोई नहीं। सब यही है दुनिया वालों की, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखा है कर्मों में, जो लेख लिखा है कर्मों में उस लेख के आगे कोई नहीं, उस लेख के आगे कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों में उस लेख के आगे कोई नहीं, जो लेख लिखे हैं कर्मों में उस लेख के आगे कोई नहीं। कुलश्यव रामचंद्र की जय, हनुषित हनुमान की जय, श्या माता की जय, सभी भगवानों की जय।